हे गाइस, अगर आपको अपनी लाइफ में हॉलीवुड मूवीज़ देखने का चस्का लगा होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है वो किंग कॉन्ग या हनीकुंडा वाली मूवीज़ देखने से लगा होगा, या हो सकता है शायद आपने अपनी लाइफ की पहली हॉलीवुड मूवी किंग कॉन्ग ही देखी हो। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ किंग कॉन्ग के बारे में। क्या रियल लाइफ में या फिर आज से हजारों करोड़ों साल पहले इतना बड़ा रियल लाइफ का किंग कॉन्ग पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता था, या फिर कोई भी इतनी बड़ी स्पीसीज पृथ्वी पर एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं? तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सवाल बिल्कुल फालतू का है कि इतनी बड़ी मॉन्स्टर सी चीज़ पृथ्वी पर पाई ही नहीं जा सकती, और या फिर करोड़ों साल पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं रही होगी। तो गाइस, मैं करूँगा फैक्ट टू फैक्ट बात। तो गाइस, अगर मैं नाम लूँ ब्लू व्हेल मछली का तो पक्का आपके दिमाग में घंटी बजेगी और आपसे यही कहेगी कि अरे यार, इतनी बड़ी व्हेल मछली हो सकती है तो किंग कॉन्ग क्यों नहीं हो सकता। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं फैक्ट के बारे में, इतना बड़ा किंग कॉन्ग रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं, या फिर कोई भी स्पीसीज इतनी बड़ी जो हो वो रियल लाइफ में या फिर हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं। तो गाइस, मेरा पहला फैक्ट किंग कॉन्ग की हाइट को लेकर है। किंग कॉन्ग की हाइट लगभग 100 फीट के बराबर होगी, और जब किंग कॉन्ग की हाइट इतनी बड़ी तो उसका वेट भी बहुत ज़्यादा होगा, और थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा होगा। और उसको इस वेट के साथ हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, तो इस वजह से उसके लिए चलना, भागना, यहाँ तक कि अपने हाथ पैर हिलाने में भी उसको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चलो, अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उसमें बहुत सारी पावर है, वो ईजली ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आराम से काम कर सकता है और ईजली भाग सकता है, चल सकता है और सब कुछ कर सकता है, तो इतनी पावर उसको कहाँ से मिलेगी? इतनी पावर फूड से मिलेगी, और जब इतना सारा फूड वो एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली अर्थ पे फूड की कमी हो जाएगी और आगे सर्वाइव करना मुश्किल होगा, और हो सकता है जब उसको खाना नहीं मिले तो वो उत्पात मचाए, बाकी प्रजाति जो हैं वो खतरे में आ सकती हैं। तो इसलिए भी अर्थ पर किंग कॉन्ग जैसी कोई बड़ी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। चलो अगर मान लेते हैं कि उसको खाना भी बहुत सारा मिल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो भी मैं कहता हूँ रियल लाइफ में किंग कॉन्ग एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और हमारा ऑक्सीजन लेवल उस हाइट तक नहीं है, तो वो ठीक तरह से सांस नहीं ले पाएगा, और जब सांस नहीं ले पाएगा तो जिएगा कैसे? तो इसलिए इतनी ऊंची हाइट तक कोई स्पीसीज होगी तो ऑब्वियसली नहीं जी पाएगी, बिकॉज ऑफ हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत हाइट तक नहीं है। और लास्ट फैक्ट ये है कि उसका हार्ट सुपर चार्ज, सुपर पावरफुल होना चाहिए ताकि उसके ब्लड को उसके माइंड तक ईजिली पहुंचा सके, क्योंकि एक नॉर्मल हार्ट के लिए इतनी हाइट तक ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ब्लड को सर्कुलेट करना बहुत मुश्किल है और नामुमकिन भी है। तो इसलिए उसका हार्ट सुपर कूल और सुपर चार्ज होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है, वरना ऐसा नहीं होगा। तो गाइस, कुल मिला के सारे फैक्ट को देखते हुए पता चलता है कि इतनी बड़ी स्पीसीज किंग कॉन्ग के बराबर की रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आपको अगर इस चीज़ को लेकर कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी मूवीज़ फिक्शंस के ऊपर वीडियोस देखनी है, जैसे मार्वल्स या फिर एनाकोंडा या फिर कुछ भी साइंस फिक्शन के ऊपर वीडियोस देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।